नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार, मेरे YouTube चैनल ऑल प्रिपरेशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे कि अगर आपका केमिस्ट्री कमजोर है तो आप कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं और उसको किस तरह से उसका पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें हम तीन पॉइंट लिखे हैं, ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहला पॉइंट जो लिखे हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है और इसमें याद करना बहुत होता है। जो इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्या क्या इसमें बहुत याद करना पड़ता है और जिसको याद नहीं होता है तो उसको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए ताकि आप अच्छा नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ला सकें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री उसके बाद आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री कीजिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग कर सकते हैं, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत याद करना पड़ता है रिएक्शन सब, तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा पहले पढ़ा कीजिए ताकि आप लोग अच्छा नंबर ला सके। इस सब अगर इतना क्या क्या हाँ, और एक बात, क्या एनसीईआरटी जो केमिस्ट्री जितना है, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड रहता है। आप लोग को पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है जितना हम आपको बताएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों, ताकि आप अच्छा नंबर ला सकें। 60-70 नंबर आप अच्छा से ला सकते हैं और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आप टोटल मिला के 70-75 नंबर आप ला सकते हैं इसे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।